नमस्कार, आज हम SBI के तीन ऐसे म्यूचुअल फंड लेके आए हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रवि कुमार जी और सुनील कुमार जी, उन्होंने पूछा है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि SIP हमें करनी है वो भी SBI के फंड में। और दूसरे हमारे भाई ने कहा है कि मुझे मिड कैप का कोई फंड अच्छा सा बताइएगा। तो आज हम आपको SBI के, क्योंकि सबसे ट्रस्टेड कंपनी वो भी SBI जिस पे हम सभी लोग विश्वास करते हैं, तो मेरा भी फेवरेट है SBI के ये तीन म्यूचुअल फंड जहां मेरा खुद का भी निवेश है। तो आज हम इन्हीं तीन फंडों को हम समझेंगे, उनका फंडामेंटल समझेंगे और उनका कितना क्या रिटर्न है वो भी हम समझेंगे। यहां पर SBI के तीन म्यूचुअल फंड हैं, SBI का स्मॉल कैप, SBI का मैग्नम मिड कैप और SBI का ब्लू चिप फंड। यदि आपकी एज समथिंग 20 साल है तो आप SBI के स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फंडामेंटल आप समझते हैं तो इसका जो SBI के स्मॉल कैप का इसका फंड का जो साइज है वो अप्रोक्स है 24,861 करोड़ का। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.69% है, जो बहुत नॉर्मल है, कम से कम 1% से कम है। और इनकी इस SBI की स्मॉल कैप की जो होल्डिंग है वो बहुत जबरदस्त है, अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इनका मार्केट समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्होंने पैसा जो लगाया हुआ है वो 69.1% लगा है, वहीं मिड कैप में पैसा जो लगाया है वो 14.6% का इन्होंने स्मॉल कैप के फंड में लगा है। वहीं पर रिटर्न की बात अगर हम करते हैं तो स्मॉल कैप के फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो समथिंग 1 ईयर्स में लगभग 34% का, 3 साल में लगभग 26% का और 5 साल में इसने लगभग 27% का और 10 साल में इस फंड ने अप्रोक्स 24% का हमें रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम हम देख लेते हैं तो ऑल टाइम में लगभग ये 24% के समथिंग इसने रिटर्न दिया है, किसने, SBI के स्मॉल कैप में। तो अब हम दूसरा समझते हैं SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड उनके लिए बेहतर हो सकता है जिनकी उम्र 30 साल से 35 साल के बीच में यद है, 30 से 40 के बीच में यद है तो SBI के मैग्नम मिड कैप फंड में वो जा सकते हैं। तो इसका जो फंड साइज है उसको समझने का प्रयास करते हैं। SBI की मैग्नम मिड कैप का फंड साइज जो है, फंड साइज इसको समझते हैं तो 15,957 करोड़ का है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो ये 0.84% है, जो स्मॉल कैप की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है। और यहां पर इसका मार्केट कैप हम अगर चेक करते हैं तो स्मॉल कैप में इन्होंने जो पैसा लगाया है 14.9% का, वहीं पर मिड कैप में इनका पैसा जो लगा है लगभग 65.6% का और वहीं लार्ज कैप में भी ये पैसा इनका लगा है 11.4% का। तो ये इनका मार्केट कैप था और इनकी जो होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में है। तो दोस्तों, इसके बाद इनके रिटर्न की बात अगर हम करते हैं, रिटर्न 1 साल में इन्होंने लगभग 38% का इस फंड ने रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में लगभग 25% का, 5 साल में अप्रोक्स 24% का, वहीं 10 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 22% का रिटर्न 10 साल में दिया है और ऑल टाइम इसने जो इस फंड ने अभी तक 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप SBI के मैग्नम मिड कैप में आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे फंड, तीनों फंड जो हम आपको लेके आए हैं, इसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है और इनका बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने भी लिया था। अब हम तीसरे फंड की बात करते हैं, SBI का ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप का फंड है, तो इसमें उम्र आपकी समथिंग अगर 40 साल के समथिंग अगर हो गई है तो वहां पर रिस्क हम थोड़ा कम लेंगे।
देखो यहाँ पर 20 साल, यहाँ 30, यहाँ 40, क्योंकि जब आपकी उम्र 20 साल होगी तो आपके पास आमदनी थोड़ी सी कम होगी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा नॉर्मल रहेगा, 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 30 साल के होंगे तो आपकी प्रॉफिट थोड़ी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आप अपनी SIP का दर आप बढ़ा सकते हैं। वहीं 40 साल में पैसा तो आपके पास अच्छा होगा क्योंकि आमदनी आपके पास अच्छी होगी, लेकिन हमारे पास उम्र काफी हो चुकी होगी तो वहां पर हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए हमने SBI का ब्लू चिप फंड को चुना हुआ है। इसका फंड साइज जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। फंड साइज इसका जो है 43,272 करोड़ का है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.86% का है, और यहां पर जो इनका मार्केट कैप है, मार्केट कैप ये लार्ज में ज्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि लार्ज की इसमें टॉप 10 कंपनियां हैं, जो निफ्टी की टॉप कंपनियां उसी में पैसा ये लगाते हैं ज्यादा, तो 85%। और वहीं पर ये मिड कैप में भी पैसा लगाते हैं 10.7% का। तो इसके अब हम रिटर्न की बात करते हैं, तो यहां पर इस फंड ने जो रिटर्न अभी तक दिया है एक साल में इसने रिटर्न दिया है समथिंग 22% का, और 3 साल में 14% का, वहीं 5 साल में समथिंग 17% का, वहीं 10 साल में इस फंड ने जो हमें दिया है लगभग 16%, और ऑल टाइम जब से ये फंड बना तब तक इसने लगभग 15% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये थे दोस्तों SBI के टॉप फंड जिन पर निवेश आप आंख मूंद के कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मेरा खुद का भी निवेश है, लेकिन इससे पहले भी एक बार अपना रिसर्च जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो दोस्त थे रवि कुमार, इनकी बात को मैंने रखा, और सुनील कुमार जी जो SBI का फंड में निवेश करने की बात कर रहे थे, तो उनके लिए तीन फंड, क्योंकि तीन फंड मैंने बताए हुए हैं, तो तीन फंड, यदि आपकी एज 20 के समथिंग है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं और लंबा समय लेकर के बहुत बड़ा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। वहीं 30 साल और इसके बीच में है तो आप मैग्नम के मिड कैप में जा सकते हैं। वहीं अगर आप ये 40 साल के समथिंग है तो SBI के लार्ज कैप यानी ब्लू चिप फंड में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नए फंड के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।